यूपी के शामली जिले में भजन गायक अजय पाठक सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या जागरण मंडली में शामिल उनके सबसे नजदीकी कलाकार वशिष्ठ हिमांशु सैनी ने की थी। हरियाणा पुलिस ने उसे मंगलवार देर रात उस समय पानीपत टोल प्लाजा हरियाणा के पास से गिरफ्तार किया जब वह कार में आग लगाकर भाग रहा था। कार की डिक्की से भजन गायक के बेटे भागवत का धजला शव भी बरामद हुआ है। आगे तस्वीरों के साथ जानिए पूरा अपडेट। पुलिस का दावा है कि अजय पाठक पर हिमांशु के 60,000 रुपए थे, मांगने पर वो उसे बेइज्जत करते थे। इसी से क्षुब्ध होकर उसने ये वारदात की। डीआईजी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एसपी ने बताया कि हत्यारोपी पर रासुका भी लगाई जाएगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बुधवार दोपहर पत्रकार वार्ता में इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हिमांशु गांव झारखेड़ी कैराना का रहने वाला है और करीब 2.5 साल से अजय पाठक की भजन मंडली में काम कर रहा था। उनके घर भी उसका आना जाना था और रात में वही रुक जाता था। बताया गया कि इन दिनों हिमांशु की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। एक बैंक ने 5 लाख रुपए का ऋण अदा न करने पर रिकवरी नोटिस जारी किया हुआ है। कई और लोगों की भी उस पर देनदारी थी जिससे वे मानसिक तनाव में था। पीएम न्यूज की रिपोर्ट।